सो चलिए गाइस, आज का हमारा टॉपिक क्या है, हमें फिनोल के एसिडिक नेचर के बारे में जानना है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, जनरल क्वेश्चन है कि अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होते हैं या फिनोल, मतलब कंपैरिजन करना है। एक तो आप अल्कोहल पढ़ के आए हो जिसको हम लोग ROH लिखते हैं, एक फिनोल पढ़ के आए हो जिसको AROH लिखते हैं, विच इज मोर एसिडिक एंड वाई। ये ऐसे सवाल बहुत आते हैं। अब यहां पर ध्यान से इसको देखिएगा। पहला सवाल तो सिंपल है कि इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है, तो यहां पर ज्यादा एसिडिक होगा फिनोल। अब ये कैसे हो उसका रीजन मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। फिनोल इज मोर एसिडिक, मैं यहां लिख देता हूं, फिनोल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल, मोर एसिडिक, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोर एसिडिक देन एल्कोहल। एल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होते हैं फिनोल। उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन है ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबिलिटी, ठीक है, रेजोनेंस स्टेबिलिटी। अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबिलिटी, उसके पीछे का सिंपल लॉजिक है कि यहां पर रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अब क्या मतलब है इसका, जरा जनरली हम लोग सोचते हैं, उसके बाद हम लोग कंपैरिजन के लिए एक और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ध्यान से उसको समझिएगा। मैं यहां पर बात करता हूं, देखिए, सपोज कीजिए सबसे पहले आपने ROH लिया। अगर आपने ROH लिया और यहां से एसिडिक का मतलब क्या होता है, आपने देखा यहां पर हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं एसिडिक नेचर की। एसिडिक नेचर का मतलब होता है H+ डोनर, जो आसानी से H+ को डोनेट कर दें, हमेशा इसी तरह से देखा करो। अब यहां से अगर आपने H+ निकाला, जरा सोचिए, तो पीछे क्या बन रहा है, एक RO- और यहां से H+। अब सीन कुछ ऐसा है कि माइनस, ध्यान से इसको चेक करिएगा, ये इसने अभी H+ को छोड़ दिया। अब आप क्या करो, इस नेगेटिव वाले साइन को बिजी करो, इसको पीछे बिजी अगर आपने कर दिया तो वो उसका ध्यान, इस नेगेटिव वाले का ध्यान इस पॉजिटिव पे जाएगा नहीं, तो उसको वो खींच नहीं पाएगा। और ये यहां पर इसको बिजी करना मुश्किल है क्योंकि पीछे क्या लग रहा है, पीछे एल्काइल ग्रुप लग रहा है जो कि प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, जो कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को और बढ़ा देगा। जरा सोचा ध्यान से, बहुत आसान है, सोचेंगे तो बड़े आसानी से निकल जाएगा। चेक करो, अगर मैंने यहां पर CH3O- लगाया होता और उसने H+ को छोड़ा होता, तो CH3 ऐसा ग्रुप है जो प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, जो इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और बढ़ा देगा, मतलब पार्शियल नेगेटिव साइन और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, जिससे वो तुरंत उसको वापस खींच लेगा, तो आसानी से तो नहीं छोड़ पाए। लेकिन अगर आपने यहां पर लिया होता AROH, ठीक है, और यहां से अगर आपने H+ को बाहर निकाला होता, तो पीछे बनता ARO-, और ये माइनस अब बिजी हो सकता है आसानी से क्योंकि यहां पर होता है रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से आप आसानी से इस नेगेटिव को, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन जो उसको खींच सकते थे, उनको बिजी करते हो पीछे की तरफ, जिससे यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है ऑक्सीजन पे घट जाती है, जिससे आसानी से हाइड्रोजन को बाहर निकाला जा सकता है। और ये क्यों हुआ है, दिस इज ड्यू टू रेजोनेंस। मैं आपको चलो प्रूव करके दिखाता हूं, फिर से बोलता हूं, ध्यान से समझिएगा। एसिडिक नेचर का मतलब होता है हाइड्रोजन को डोनेट करना H+ की फॉर्म में। सो H+ अगर बाहर निकला तो ये निकल जाना चाहिए आसानी से, लेकिन समस्या ये कि यहां पर एल्काइल ग्रुप लग रहा है जो कि प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, जो यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑक्सीजन पे और बढ़ा देगा, जिससे वो वापस से उसको खींच लेगा। लेकिन यहां पर एराइल ग्रुप लग रहा है जो कि रेजोनेंस में बिजी करेगा इस नेगेटिव साइन को, जिससे वो आसानी से बाहर निकल जाएगा। अब चेक करो रेजोनेंस होता कैसे है, तो यहां पर मैं आपको रेजोनेंस दिखाता हूं, किसके अंदर, ए आर ओ माइनस के अंदर, क्योंकि अगर इसने इलेक्ट्रॉन को बिजी कर लिया तो एच प्लस आसानी से बाहर निकल सकता है। तो देखिए सीन कुछ ऐसा है कि रेजोनेंस में आपको शो कर रहा हूं फिनोक्साइड आयन में, जरा चेक करिएगा, देखिए वो किस तरह से बिजी करता है। ये देखिए ऑक्सीजन पे आ चुका है माइनस, दिखाई दे रहा है सब लोगों को। अब यहां पर इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहां से आपको समझ में आएगा कि यहां पर किस तरह के कंपाउंड बनते हैं जब OH बॉन्ड की क्लीवेज होती है। बहुत ध्यान से इसको चेक करिएगा। तो देखिए यहां पर जैसे ही हाइड्रोजन को बाहर निकाला फिनोक्साइड आयन बन गया जो कि रेजोनेंस शो करेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आएंगे। अगर इस कार्बन पर आएंगे तो आपके पास फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तैयार हो गई। जरा चेक करो वो क्या है, वो ये है। यहां पर क्या होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर आ चुके हैं दोनों इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड एज इट इज है। अब देखिए यहां पर इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में आपकी ऑर्थो पोजीशन नेगेटिवली चार्ज हो चुकी है, यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक कर सकता है, ठीक है। वैसे भी ये प्लस आर इफेक्ट दिखाने वाला ग्रुप है, प्लस आर की वजह से कौन कौन से पोजीशंस एक्टिव हो जाते हैं, या तो ऑर्थो या फिर पैरा, ये मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, नहीं पता है तो आप जान लो। अब उसके बाद क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए अगर, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट होंगे, तो आपके पास एक और यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया।
अब देखिए मजेदार बात की रेजोनेंस की वजह से वो नेगेटिव साइन बिजी हो गया, H प्लस आसानी से बाहर निकल जाएगा, यहां बॉन्ड आया उसके बाद यहां पर नेगेटिव का साइन है, यहां बॉन्ड आया। अब उसके बाद क्या होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुए तो ये दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे। एक और स्ट्रक्चर आप यहां पर बना सकते हो बहुत आसानी से, जरा चेक करो, ये लीजिए ये रेजोनेंस इस तरह से शो हो रहा है, माइनस का साइन या डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर बॉन्ड बन गया और यहां पर बॉन्ड बन गया। अब फाइनली क्या होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हुए तो ऑक्सीजन माइनस का साइन उसके ऊपर आ जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन फिर से अपनी तरफ खींच लेगा। तो जरा चेक करो, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं और इसका ध्यान भटका दिया जाता है, जिससे फाइनली हाइड्रोजन आसानी से अलग किया जा सकता है। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब देखिए, इसने जैसी एच प्लस को छोड़ा, ठीक है, जैसी एच प्लस को छोड़ा, यह नेगेटिव बिजी हो गया रेजोनेंस करने में, देखो। और फाइनली देखो, चेक भी करो कहां कहां है, एक तो ऑर्थो पोजिशन पे, यहां पर पैरा पोजिशन पे, यहां पर फिर से ऑर्थो पोजीशन पे, तो नेगेटिव का साइन आ किधर रहा है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। इसीलिए आगे जो केमिकल रिएक्शन आप पढ़ोगे, जैसे कि यहां पर फेमस केमिकल रिएक्शन है रेमर टिमान, ठीक है, रेमर टिमान केमिकल रिएक्शन है, वो भी यहां पर ऑर्थो या फिर पैरा पोजिशन पे, स्पेशली ऑर्थो वाले कंपाउंड देती है। ऑर्थो वाले क्यों, क्योंकि वहां पर इंट्रा हाइड्रोजन, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, इसलिए ऑर्थो वालों के चांसेस जो है रेमटिमान और कॉल्बे में ज्यादा है। ये याद रखिएगा, कॉल्बे और रेमटिमान केमिकल रिएक्शन बहुत ही फेमस केमिकल रिएक्शन है, यहां पर ऑर्थो पोजिशन वाले कंपाउंड मेजर बनते हैं, क्योंकि यहां पर इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, इंट्रा मोलिक्यूलर, ठीक है, इंट्रा मोलिक्यूलर एच बॉन्ड। अब ये क्या होते हैं, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता ही देता हूं, डोंट वरी। ये लेकिन ये चीजें मैं आपको रेमर टिमान और जब कॉल्बे पढ़ाऊंगा तब भी मैकेनिज्म के साथ बताऊंगा, सबको समझ में आ गया। लेकिन ये बहुत आसान है, जरा चेक करिएगा, स्पेशली ऑर्थो वाले कंपाउंड बनते हैं लेकिन मेटा वाले नहीं बनते। यहां पर ध्यान रखिएगा, जब OH बॉन्ड या एसिडिक नेचर जब शो करता है और जब ये रिएक्शन आप दिखा रहे होते हो तो ऑर्थो या फिर पैरा वाले, स्पेशली ऑर्थो वाले हम कहेंगे, पैरा वाले भी मैं नहीं कह रहा हूं, ऑर्थो वाले कंपाउंड बनते हैं। उसके पीछे का एक मेन लॉजिक ये भी है कि यहां पर इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड ऑर्थो की वजह से डेवलप हो जाते हैं। इंट्रा मतलब मोलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, जिसकी वजह से ऑर्थो कंपाउंड ज्यादा बनते हैं। क्लियर हो गया, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं, जरा ध्यान से इसको देखिएगा, मैं इस तरफ बना देता हूं। देखिए, जैसे कि हम लोग कॉल्बे की बात करें या फिर आप रेमर टिमान की बात कर लो, चलो रेमर टिमान में यहां पर ये तो हो गया जी एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहलिक ग्रुप OH, और यहां पर ऑर्थो पोजीशन पे यहां पर आता है आपके पास CH डबल बॉन्ड O, फॉर्माइल ग्रुप जिसको एल्डिहाइड आप कहते हो, फॉर्माइल ग्रुप यहां लगा होता है। तो यहां पर क्या होता है, इस फॉर्माइल ग्रुप के हाइड्रोजन और एल्कोहल ग्रुप के ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, जो इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देती है, जिसकी वजह से ऑर्थो वाले कंपाउंड ज्यादा बनते हैं। सबको समझ में आ गया, यह चीज मैं आपको तब भी बताता, अभी बता रहा हूं, आप इसको ध्यान से नोट डाउन कर लो कि यहां पर रेमर टिमान और कॉल्बे के अंदर ऑर्थो वाले ज्यादा बनेंगे, अदरवाइज पैरा वाले भी बनते हैं, लेकिन यहां पर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के चक्कर में ऑर्थो वाले बनते हैं। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी लिख लेना, इनमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के चक्कर में, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के चक्कर में यहां पर ऑर्थो वाले कंपाउंड बनते हैं। सबको समझ में आ गया, सो ऑर्थो वाले कंपाउंड मेजर होते हैं इन केमिकल रिएक्शंस में, जो ये दो नेमिंग रिएक्शंस हैं, ठीक है, और ये बहुत फेमस है। आगे आने वाली वीडियोस में आपको रेमर टिमान और कॉल्बे ही देखने को मिलेगी, और ये आप याद कर लेना, क्योंकि ये दोनों तो हर एक एग्जाम में आती है। सबको समझ में आ गया, सो फाइनली दिस इज कॉल्ड द एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। फिनोल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल, फिनोल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल, नाउ व्हाई, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड, बिकॉज यहां पर जो नेगेटिव साइन है वो रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड है, आप इसको बिजी कर लेते हैं जिससे हाइड्रोजन आसानी से बाहर निकल जाता है। सबको समझ में आ गया, एक छोटी सी चीज और कराता हूं, लेकिन उससे पहले फटाफट से इसका स्क्रीन शॉट ले लो, उसके बाद आगे चलते हैं, ले लीजिए। तो चलिए गाइस, अब आगे चलते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन और कराता हूं जो काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, फिर से कंपैरिजन का क्वेश्चन है, एसिडिक नेचर का कंपैरिजन करना है। देखिए, सवाल कुछ ऐसा है कि आपसे सपोज पूछा कि बताइए कि इसमें से एसिडिक नेचर ज्यादा किसका होगा, पहले तो उसने लिख दिया एल्कोहल, सबको समझ में आया, यहां पर पीछे लिख लो, सपोज करो यहाँ C2H5OH लिखा हुआ है, इथेनॉल ले लिया, ठीक है, फिर वो कहता है सेकेंड है आपके पास सपोज करो C6H5OH, ये है फिनोल। अब इसका कंपैरिजन तो आप कर चुके हो, सपोज करो कि एक और लिख दिया, उसने लिखा यहां पर ऑर्थो NO2 नाइट्रो, फिर उसके बाद लिखा आपने C6H4OH। अब यहां पर बोलता है कि बताइए कि यहां पर इन तीनों में,
इन तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन और सबसे कम एसिडिक कौन, ऑर्डर लगाने को बोलता है। हो सकता है एक और भी दे दे, ठीक है, यहां पर एक और लिख दे, मेटा नाइट्रो C6H5OH देने को वो दे सकता है। सबको समझ में आ गया? तो यहां से सवाल पूछे कि इनका कंपैरिजन करो, पैरा भी दे सकता है, ठीक है, आप पैरा भी ले लो, लेकिन ऑर्थो और पैरा वाले जो होते हैं उनकी एसिडिक नेचर ऑलमोस्ट सेम सी होती है। तो यहां पर ये कंपैरिजन में क्वेश्चन आया हुआ है, सवाल पूछा आपसे इनका एसिडिक ऑर्डर बताओ, ठीक है, एसिडिक ऑर्डर बताने को बोला, एसिडिक ऑर्डर बताओ कि किसका एसिडिक ऑर्डर ज्यादा होगा। अब पहले तो आपको इनकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, ये तो सिंपल है, जबकि यहां पर क्या किया हुआ है, बेंजीन रिंग पे आपने सिर्फ और सिर्फ क्या लगाया हुआ है, OH। इस केस में आपने क्या किया, बेंजीन रिंग पे OH तो लगा ही है, ठीक है, नीचे बना देता हूं, और साथ ही ऑर्थो पोजीशन पे आपने एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा लिया जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। एक आपके पास मेटा वाला, तो ये मेटा वाला भी मैं आपको बता देता हूं कि ये OH ग्रुप तो लगा ही है, मेटा पोजीशन पे आपने ऐसा ग्रुप लगाया जो कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। तो आपसे पूछता है एसिडिक नेचर बताओ, चारों हैं आपके सामने, इसको मान लेते हैं अपन ए कह देते हैं, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, और इसको मान लेते हैं डी। ये सवाल एक्चुअल पूछा गया है, पैरा वाला नहीं डाला गया था, लेकिन अगर पैरा भी घुसाना चाहो तो घुसा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखो इनमें कंपैरिजन में हमने अभी देखा है कि अल्कोहल तो लेस एक्टिव होते हैं, लेस एसिडिक होते हैं एज कंपेयर टू फिनोल, ये तो हमें मालूम है। अब आगे सीन कुछ ऐसा है कि आपने अचानक से यहां पर ऑर्थो पोजीशन पे एनोटो ग्रुप लगा दिया, तो ये तो आपकी ओर सहायता करता है, कैसे भाई? यहां पर देखो, इसने जैसे ही मान लो हाइड्रोजन को एच प्लस की फॉर्म में लीव किया, इस पर माइनस आया, तो एक तो बेंजीन रिंग रेजोनेंस दिखा रही है, ऊपर से ये भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे, तो और बिजी कर रहा है। अब उसको चाहिए, ये तो क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, आप तो आने दो इलेक्ट्रॉन्स को, ये और अपनी तरफ खींचेगा, आए समझ में? तो और ज्यादा सहायता कर रहा है। लेकिन आपने अभी रेजोनेंस में देखा कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन वाले यहां पर ग्रुप ऐसे हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो, तो अभी देख के आए हो थोड़ी देर पहले जब हम रेजोनेंस बना रहे थे, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा थी, और अगर वहां पर अगर आपने NO2 ग्रुप लगा दिया तो उसका फायदा होगा, मेटा पोजीशन पर तो इतनी कुछ ज्यादा भी नहीं थी, तो इतना फायदा नहीं होगा। तो इसका मतलब मेटा वाले सीन में एसिडिक नेचर थोड़ी कम होगी एज कंपेयर टू ऑर्थो। तो यहां कोई पूछे कि ऑर्डर बताइए, तो सी का नंबर सबसे पहले आएगा, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, सी। क्यों? क्योंकि यहां पर ये नेगेटिव को बिजी करना है, एक तो रेजोनेंस, ऊपर से आपने ऑर्थो पोजीशन पे NO2 लगा दिया जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है, ऑर्थो पोजीशन पे ज्यादा होती है, NO2 ग्रुप खींचेगा अपनी तरफ, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हुआ, सी। इसमें आसानी से हाइड्रोजन अलग हो सकता है क्योंकि यह नेगेटिव साइन स्टेबल हो रहा है, किसकी वजह से, एक तो एरोमेटिक रिंग की वजह से, दूसरा NO2 की वजह से। फिर उसके बाद नंबर आएगा आपके पास डी का, मेटा वाले का नंबर आता है। अब यहां पर हालांकि मेटा पोजीशन पे नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन फिर भी NO2 ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए, समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं तो सहायता करेगा, क्लियर होता है सब लोगों को, इसलिए आंसर आएगा डी का। और आप एनसीईआरटी में चेक भी कर सकते हैं, इनके पीके की वैल्यू दे रखी है, पीके की वैल्यू जितनी कम होती है एसिडिक नेचर उतना ज्यादा होता है, आप चेक कर लेना। यहां पर सी का नंबर पहले, फिर डी का नंबर आएगा, फिर उसके बाद आएगा बी का नंबर, और फिर आएगा ए का नंबर। सबसे लीस्ट एसिडिक कौन है, एल्कोहल, देन फिनॉल, फिर हमारे पास मेटा फिनॉल, ठीक है, मेटा नाइट्रोफिनॉल, फिर उसके बाद ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कई लोग पूछेंगे सर पैरा वाला क्यों छोड़ दिया, शामिल कर लो उसको भी, तो उसको भी कर लो। मान लो यहां पर पैरा नाइट्रोफिनोल भी लिखा होता तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, पैरा नाइट्रोफिनोल जो होता है बच्चों, उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो ऑर्थो वाले के जितनी ही होती है, मुश्किल से कोई 19-20 का फर्क होता है, इसलिए हम लोग यहां पर इसका कंपेरिजन में कभी क्वेश्चन आता नहीं है। लेकिन फिर भी मान लो आपका लक खराब और आ गया, तो फिर मैं आपको ऑर्डर बता देता हूं, आप चेक कर लेना भले ही। अगर आपके पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है, तो इस केस में मान लो ए बी सी डी और इसको ई मान लेते हैं, ठीक है, और बोलता है आप कंपैरिजन करो, जबरदस्ती आपको कह दिया कि करो और ऑर्डर भी दिया हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूं कि सबसे ज्यादा इस केस में ई का नंबर आएगा। हालांकि मैं आपको बता देता हूं कि पैरा पोजीशन पे जो आपने नाइट्रो ग्रुप लगाया है और ऑर्थो पोजीशन पे जो नाइट्रो ग्रुप लगाया उसमें सिर्फ 19-20 का फर्क है एसिडिक नेचर में, ठीक है, थोड़ा बहुत ही माइन्यूट, लेकिन उस केस में थोड़ा सा ये जीत जाता है, ठीक है। आप चाहे तो एनसीईआरटी में चेक कर लेना, इसकी पीके की वैल्यू जो है ना वो सबसे कम है, यानी कि इसका एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा है, इसका 7.1 है, इसका 7.2, इसका 8.3 है, इसका 10 है और इसका तो 15 है। पीके की वैल्यू देखो, पीके क्या होता है, पीके होता है माइनस ऑफ लॉग ऑफ के ए, ठीक है, के ए क्या है, दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द केस ऑफ एसिड, एसिड केस में
यहां पर के होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और माइनस और लॉग ऑफ के को पीके बोलते हैं। पीके की वैल्यू जितनी कम होती है के की वैल्यू उतनी ज्यादा होती है, और उसकी एसिडिक नेचर भी उतनी ज्यादा होती है। आप नोट डाउन कर लो, बुक में देख लेना, आपको मिल जाएगा, एनसीईआरटी में है। मैं इनकी पीके की वैल्यू बता देता हूं, इसकी पीके की वैल्यू होती है 7.1, इसकी पीके की वैल्यू होती है 7.2, इसकी पीके की वैल्यू है 8.3, इसकी पीके की वैल्यू है 10, और इसकी पीके की वैल्यू है 15। ये आपको याद नहीं करनी, आपके रेफरेंस के लिए बता रहा हूं। सबसे कम किसकी है? इसकी। तो इसका एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा होगा, यानी कि ई सबसे ज्यादा। उसके बाद किसका नंबर आ रहा है? सी का। फिर उसके बाद किसका नंबर आ रहा है? डी का। फिर उसके बाद किसका नंबर आ रहा है? बी का। और सबसे लास्ट में किसका नंबर आता है? ए का। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। नाउ दिस इज एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। ये बहुत बार पूछा गया है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है? एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, यानी आप ध्यान रखना, सबसे पहले किसका नंबर आता है? पैरा। अगर कंपैरिजन करने को बोल दे तो सबसे पहले पैरा वाला, पैरा नाइट्रो, ठीक है? फिर किसका आएगा? ऑर्थो नाइट्रो, ठीक है? सबसे लास्ट में किसका आएगा? मेटा नाइट्रो इन द केस ऑफ फिनॉल। क्लियर हो गया? ये नोट डाउन कर लेना अगर करना भी चाहो तो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कंपैरिजन के करा दिए। इनके ऊपर क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, उनको नोट डाउन कर लेना, आपको बहुत मदद करेगा। और मैं आपसे कहूंगा कि इस चीज को, यानी कि इस वीडियो को एक बार जरूर देखो, एक बार और देखो, एक बार तो देख लिया, एक बार और देखो, जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लेना, आपके रेफरेंस के लिए आपके एनसीईआरटी में सारे डेटा दिए हैं, आप चेक कर लेना। सबको समझ में आ गया? सो यहां पर एक और वंडरफुल वीडियो हमने खत्म कर लिया, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। सो फाइनली गाइस, फिर से अगले वीडियो में मिलते हैं। मैंने आपसे कहा कि एसिडिक नेचर के ऊपर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हैं, यानी कि रैमर्टिमान और कोलवे, ये रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगी आगे। टिल देन मेडिजी चैनल के साथ बने रहें, ठीक है? इन वीडियोस को शेयर करें उन बच्चों को जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पेरेंट की मॉनेटरी कंडीशन ठीक नहीं है। आप मेडिजी केमिस्ट्री चैनल को मदद भी कर सकते हैं, और अगर आप सक्षम है, आपके पेरेंट्स सक्षम है, तो आप वाया पेटीएम थोड़ा बहुत जो भी आप चाहते हैं डोनेट भी कर सकते हैं, जिससे हमारा मोराल बूस्ट रहेगा, हमारी टीम उतनी एंथुजियास्टिकली आपके लिए काम करती रहेगी। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं कुछ भी फायदा मिल रहा है, थम्सअप देके जाओ। ये जो थम्सअप है ना आपका, वो बहुत हमें हिम्मत देता है। आप इतना सा काम करते हो, हमारे लिए मोर देन इनफ है। चलिए गाइस, अगली वीडियो मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या दिया है? होमवर्क कर लेना। थैंक यू।